गाड़ियों का काफिला पहुंच रहा है मोराबादी गुरुजी के आवास पर, और ये सूत्रों के हवाले से खबर है जहां पर गुरुजी से मिलने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात पर राय लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी के आवास पहुंचे, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। आपको पता है बिना कारगेट के ये चार गाड़ियां वहां से निकली है और अब ये मोराबादी स्थित गुरुजी के आवास पर अब पहुंची है, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सलाह मशवरा करने के लिए गुरुजी के पास पहुंचे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ईडी का यह प्रकरण चल रहा है, दूसरी ओर कल गठबंधन के नेताओं के साथ एक बैठक होने वाली है शाम 4:30 बजे, और इससे पहले आज महाधिवक्ता सलाहकार और संगठन के लोगों से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विचार विमर्श किया किस तरीके से ईडी के प्रकरण को देखना है और आगे क्या कुछ राजनीतिक हलचल होने वाली है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर सीएम आवास से चार गाड़ियां निकली हैं, बिना कारकेट के ये चार गाड़ियां बताई जा रही हैं जो निकली हैं, और गाड़ियों का काफिला अब मोराबादी गुरुजी के आवास भी पहुंच चुका है। गुरुजी से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये सूत्रों के हवाले से खबर बताई गई है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि मौजूदा राजनीतिक हालात पर राय लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोराबादी स्थित गुरुजी के आवास पर पहुंचे हैं और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श होगा। क्योंकि जिस तरीके से सियासी सरगर्मी जो तेज हो चुकी है, नया साल की शुरुआत हुई और ऐसे में लगातार ये बयानबाजियां, और ऐसे में अब ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर राजधानी रांची से देख रहे हैं, जहां पर सीएम आवास से आपको बताया कि चार गाड़ियां निकली है और इन चार गाड़ियों में बिना कारगेट के ये चार गाड़ियां निकली हैं। मोराबादी स्थित गुरुजी के आवास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिलने के लिए पहुंचे हैं। काफिला पहुंचा है मोराबादी गुरुजी के आवास, और ये सूत्रों से हवाले से खबर है जहां पर गुरुजी से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं गुरुजी के आवास, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहरवाज अख्तर जुड़े हुए हैं। शाहरवाज, ईडी के प्रकरण को हम एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ साल की शुरुआत और ये राजनीतिक सरगर्मी काफी ज्यादा हलचल जो है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि कल हमने देखा कि इस्तीफे की बात हुई और आज हमने देखा कि सीएम आवास पर महाधिवक्ताओं के साथ, संगठन के लोगों के साथ, सलाहकारों के साथ मुख्यमंत्री एक बैठक करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, और अब ये काफिला बिना कारकेट के गुरुजी के आवास पहुंचता है और सूत्र ये बता रहे हैं कि अब सीएम जो है वो गुरुजी से सलाह मशवरा करेंगे किस तरीके से आगे की क्या कुछ राजनीति होने वाली है। शाहरवाज जी, हाँ बिल्कुल सही है, तस्वीरें आपको जो मिल रही हैं, जो स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं, वो चार गाड़ियां हैं जो बिना सायरन के, बिना कारकेट के, प्रॉपर कारकेट होता है, बिल्कुल गोपनीयता के साथ। बल्कि मैं जब विजुअल बना रहा था तो मना किया जा रहा था कि मना किया गया है आप विजुअल ना बनाए, लेकिन विजुअल बना लिया किसी तरह से हम लोगों ने, और ये काफिला बाईं तरफ मुड़ा और गुरुजी आवास, देखिए ये गेट है, और यहाँ भी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे अंदर कोई खास मूवमेंट नहीं है, लेकिन बाईं तरफ एक मोटरसाइकिल पुलिस की खड़ी है जो सर्वेलांस के लिए यूज़ की जाती है। उस व्यक्ति ने इशारे से मैंने पूछा तो पता चला कि अंदर ये काफिला अंदर गया है, मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता से, जो पार्टी के सुप्रीमो हैं जेएमएम के, उनसे फाइनल राय मशवरा करने आए हैं। और ये सूत्रों के हवाले से ये खबर थी कि कल्पना सोरेन भी उसमें साथ हो सकती हैं, लेकिन अभी जो हमारे सूत्र हैं, मैंने उसको कंफर्म किया, उसमें कल्पना सोरेन नहीं है उस गाड़ी में जो यहाँ पर आई है। बहरहाल अभी तो पहले यही है कि गठबंधन दल की जो बैठक बुलाई गई है कल 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास के हॉल में, जो काफ़ी प्रोटेक्टेड एरिया है, जहाँ पर कोई मीडिया अंदर नहीं जा सकता बिना परमिशन के, बाहर से आवागमन हम लोग देख सकते हैं, तमाम पार्टी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं गठबंधन दल के, उन सबको आज शाम तक रांची पहुंच जाने का निर्देश जारी किया गया है। और पार्टी फोरम से भी एक विज्ञप्ति निकाली गई है जिसमें ये सूचना दी गई है कि गठबंधन दल की बैठक कल 4:30 बजे होगी। तो अब ये साफ हो गया है कि गांडे की जो सीट खाली की गई है, एक विशेष रणनीति के तहत खाली की गई है, और इसमें सरफराज अहमद चाहे कहें
कि वो उनका एक निजी उनकी एक निजी पहल थी, पार्टी के प्रति समर्पण था, ये बिल्कुल पॉलिटिकली अभी बिल्कुल सही नहीं मालूम होता है। और ये उनको स्ट्रेटेजिकली खाली कराई गई है और उन्होंने खाली की है, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने की है, जिसको स्वीकारा भी था कल उन्होंने कि गठबंधन की सरकार आगे चलती रहे, भले ही नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, ऐसी एक मजबूरी आ गई है जो ऐसा करना जरूरी हो गया है। बहरहाल मुख्यमंत्री आवास में अब मुख्यमंत्री आए हैं, अपने पिता से पार्टी के सुप्रीमो से मशवरा करेंगे और आधे घंटे के आसपास मुझे लगता है कि यहाँ वो रहेंगे और उसके बाद वो लौटेंगे। और बाकी तो अब कल का 4:30 बजे की बैठक काहूत कर ली गई है, रोड मैप बिल्कुल साफ है। हो सकता है कि बैठक से ही देखिए गाड़ी का काफिला निकलने लगा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको मैं दिखा रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि गाड़ी में कौन है, पीछे साइड में आप फोकस करें तो पता चले कि गाड़ी में कौन है। लेकिन गाड़ी में इस वक्त मुख्यमंत्री आए थे और वो मुख्यमंत्री लौट रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गुरुजी आवास, हमने जब कहा था कि मुख्यमंत्री यहाँ आए थे तो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हुआ होगा और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत पर, इस वक्त और कोई मीडिया यहाँ पर मौजूद नहीं है। बहरहाल इस बात पर एक बार फिर मुहर लगी कि हम जो आकलन कहते हैं, हम जो अंदाजे लगाते हैं, 19 दिसंबर को भी हमने कह दिया था कि कुछ प्रदेश में बड़ा होने वाला है, नैतिक परिवर्तन हो सकता है, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, तापमान बढ़ गया है जी। तो तापमान अब बढ़ता हुआ लोगों को दिखाई दे रहा है और कुछ तस्वीरें साफ हो चली हैं कि प्रदेश में अब नेतृत्व परिवर्तन, सरकार का चेहरा बदलने की अब नौबत आ गई है। और जो नया चेहरा उभर रहा है वो भी, उस पर से भी हमने तस्वीरें हटा दी हैं, करीब करीब कल्पना सोरेन का नाम तय हो चुका है। और अब जब गठबंधन दल की बैठक होगी वहीं ये तय हो जाएगा, सर्वान रूप से कोई नेता चुना जाएगा, संभवतः कल्पना सोरेन। उनको साइकोलॉजिकली उनको मुख्यमंत्री ने तैयार भी कर लिया है, विधानसभा अभी ले गए थे रात में, वहाँ एक कुर्सी पर भी बैठाया, उनको काफ़ी समझाया बुझाया और वो काफ़ी समझदार लेडी हैं और वो इस संकट की घड़ी में अपनी पार्टी, अपने परिवार का आगे नेतृत्व कर सकती हैं, ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है पार्टी फोरम में। और निर्विवाद चेहरा हैं, पढ़ी लिखी हैं और लोगों से संवाद भी करती रही हैं, हम लोगों से भी बातचीत करती रही हैं और अब वो जब नेतृत्व करेंगी तो जो बाकी समय है पार्टी का अगले चुनाव तक का, वो सफलतापूर्वक निकल जाए, यही अब पार्टी की नीति है। बाकी ईडी अलग, राजभवन की तैयारी अलग, लिफाफा अलग, ये सब चीज़ों पर आज हम बात नहीं करेंगे। हम बात उन्हीं चीज़ों पे करेंगे जो तस्वीरें हमारे पास होंगी। सुबह हमने बताया कि मुख्यमंत्री आवास में कौन कौन गया जी, महाधिवक्ता गए, कानूनी रूप से जो चीज़ें होती हैं वो मशवरे में आई, बाकी लोग आए गए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास से गुरुजी आवास तक का ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 पर आपको दिखाई दी हैं, ये अब बात साफ हो गई है कि जो फैसला हुआ है गुरुजी से, उस पर फाइनल मुहर लगाने मुख्यमंत्री यहां पर आए थे और अब मुख्यमंत्री अपने आवास लौट चुके हैं। बिल्कुल शहनवाज, चलिए आप राजनीतिक हलचल की इन तमाम खबरों पर नजर बनाए रखिए और हमारे दर्शकों तक अपडेट्स पहुंचाते रहिए कि फिलहाल और क्या कुछ ये 24 से 48 घंटे झारखंड की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्या कुछ जो है सरकार की ओर से निर्णय लिए जाएंगे और क्या कुछ समय बदलता हुआ नजर आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से ये चार काफिला जो है बिना कारकेट के अब गुरु जी के आवास पहुंचता है और वहां पर तकरीबन 15 से 20 मिनट की ये मुलाकात होती है और किन विषयों पर यह विचार विमर्श हुआ, ये भी हम आप तक लगातार अपडेट्स पहुंचाएंगे कि जिस तरीके से एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है वहीं दूसरी तरफ कल जब महागठबंधन के नेताओं के साथ जब ये बैठक होगी वो तमाम चीजें जो है वो क्लियर होती हुई नजर आएंगी कि आखिरकार झारखंड के समीकरण में क्या कुछ बदलाव होने वाला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।